आज बनाएंगे बेसन और सूजी के मोदक। चलो देखते हैं कैसे बनते हैं बेसन और सूजी के मोदक। ये झटपट बन के तैयार हो जाएंगे। गणेश चतुर्थी के पे बनाएंगे हम मोदक। मोदक के लिए मैं सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रखूंगी। इसमें अपने गाय का देसी घी डाल लेंगे। ये आपने घी कितना डालना है? जितना मैंने एक कटोरा बेसन लिया, आधे से ज्यादा कटोरा मैंने गाय का देसी घी डाल दिया। ये घी अपना गर्म हो गया। आधी कटोरी सूजी, गैस को लो मीडियम कर दो, लो फ्लेम पे रखना। सूजी को अच्छी तरह घी में मिक्स कर लेंगे। सूजी को अपनी 1 मिनट भून देंगे। मैंने ये एक कटोरा बेसन लिया है, ये घर का ही बेसन है। आप बेसन को थोड़ा सा मोटा या आम जो आप घर में यूज करते हो वही उसके मोदक बना सकते हो। इसमें मैं एक कटोरा बेसन डालूंगी। आंच को लो फ्लेम पे रखना। इसको धीरे धीरे इस तरह मिक्स करेंगे। बेसन और सूजी अच्छे से देखो घी में मिक्स हो गया। और अपने इसको लो मीडियम आंच पे इस तरह आटे को सेक लेंगे। आपने सेक को तेज नहीं करना। सेक को तेज करने से जो अपना बेसन है इसका कलर डार्क हो जाएगा। इस तरह अपने इसको 5-10 मिनट इसी तरह ही आटे को भून लेंगे। जैसे जैसे अपना ये आटा सेकेगा ये देखो हल्का हल्का ये घी छोड़ने लग गया। ये अपना बेसन काफी सिक सुख चुका है। देखो ऊपर से इस तरह घी भी आने लग गया और ये दानेदार ऐसे खिला खिला हो गया। अब इसको अपने 2-3 मिनट और सेकेंगे। आंच को लो मीडियम पे सेकने। बेसन अपना अच्छी तरह सिक गया। इसके ऊपर इस तरह घी आ गया है और इसमें अच्छी सी एक खुशबू आने लग जाती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा केसर वाला दूध डालूंगी। थोड़े से दूध में मैंने ये केसर भिगो दिया। तो अब इसको धीरे धीरे अपने केसर वाला दूध इसमें डालेंगे जिससे क्या है अपना जो बेसन है ये भी दानेदार बन जाएगा। धीरे धीरे इस तरह जल्दी से इस तरह मिक्स कर देना। बचा हुआ दूध अब अच्छी तरह इसको मिक्स करें। देखो कितना दानेदार और खिला खिला बेसन और सूजी होगी। तेज हाथ से इसको आप तेज हाथ से अच्छी तरह मिक्स करना। दूध डाल के केसर डाला। हमने 3 मिनट इसको इस तरह चलाया। अब अपने आंच को बंद कर देंगे। अब भूंदे हुए बेसन को अपने एक इस थाली में डाल देंगे जिससे ये ठंडा हो जाए। इस तरह आप फैला देना। अब ठंडा होने के लिए मैंने एक थाली में डाल लिया। इसके ऊपर अपने थोड़े से इलायची के दाने। मैंने ये हरी इलायची थी इसको घर में से इसके बीज निकाल के कूट लिया जिससे जो मोदक का स्वाद है और भी अच्छा हो जाएगा। इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अपना भूंदा हुआ बेसन बिल्कुल ठंडा हो गया। अब इसमें अपने शक्कर मिलाते हैं। मैंने एक कटोरा बेसन, आधी कटोरी सूजी ली थी और इसमें आपने आधी कटोरी
ये पीसी हुई शक्कर लेनी है, इसको इस तरह धीरे धीरे ऊपर मिला देना। आप अगर कम मीठा खाते हो तो कम डालना, ज्यादा खाते हो तो इसमें एक बड़ा चम्मच और ऐड करना। इसको अपने अच्छे से मिला देंगे। आप इसको हाथ से मिलाना, हाथ से क्या है ये अच्छे से मिल जाएगी। बेसन में अच्छी तरह आपने चीनी मिक्स कर लिया। अब इस तरह थोड़ा सा बेसन लेके इसको पूरे को इस तरह मिक्स करेंगे, फिर हाथ से ऐसे गोल बनाएंगे। ये देखो कितना स्मूथ है। इस तरह आप इसको इस तरह करके बनाना। आप इस मोदक की मैं बताती हूँ उसकी शेप कैसे देनी है। आप इस तरह गोल करते जाना। ये अपने मोदक बनके तैयार है। गणपति बाबा के ये लड्डू मोदक बनके तैयार है। गणेश चतुराई पे गणपति बाबा के मोदक बनके तैयार है। मोदक की डेकोरेशन करते हैं। इसके ऊपर इस तरह एक बिंदी लगाएं। साइड पे आप बादाम को बीच में से इस तरह काट लेना, काट के इसको साइड में इस तरह लगा देना। पिस्ते के भी इस तरह आप दो पीस कर लेना, उसको भी आप इधर इस तरह लगा दें। आज अपने बेसन और सूजी के मोदक बनाएंगे जो आप झटपट से बना सकते हो। चलो देखते हैं कैसे बनते हैं सूजी और बेसन के मोदक।